नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बायस्कोप में आप सबों का स्वागत है। माइनिंग लीज आवंटन को लेकर झारखंड की सियासत तेज हो चुकी है और यह मामला चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस दिया है तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई चल रही है। हम आपको बताते हैं कि हेमंत सोरेन ने जो अपना पक्ष रखा है अदालत में, झारखंड हाईकोर्ट में अपने जवाब में क्या कुछ कहा है। माइनिंग लीज आवंटन के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को गलत बताया है। कहा है कि उनके खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर जनहित याचिका दायर की गई है जिसे हर जाने के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बिना किसी तथ्यों के जाने बगैर ही याचिका दायर की गई है और याचिकाकर्ता ने अपना पूरा ब्यौरा भी नहीं दिया है और तथ्यों को छिपाया है। हेमंत सोरेन ने अपने जवाब में कहा है कि प्रार्थी शिवशंकर शर्मा और उनके परिजन दो दशक से उनके विरोधी रहे हैं। प्रार्थी शिवशंकर शर्मा के पिता गौतम शर्मा उनके पिता शिवू सोरेन के खिलाफ साल 2006 में एक मामले में गवाह रहे थे। इस मामले में उनके पिता को 30,000 कोर्ट से सजा मिली थी लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा के आदेश को निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई थी लेकिन यहां भी अपील खारिज कर दी गई थी। लेकिन इस तथ्य को प्रार्थी ने अदालत से छिपाया है, ऐसा आरोप हेमंत सोरेन ने लगाया है। वहीं राजनीतिक बदले की भावना से दायर इस याचिका को जनहित का मामला नहीं माना जा सकता, इसलिए हरजाने के साथ इसे रद्द कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में कहा है कि उन्हें भारत के चुनाव आयोग से 2 मई को एक नोटिस मिला है। आयोग ने उनसे भी जवाब मांगा है। आयोग ने बीजेपी की तरफ से 14 फरवरी को लिखे एक पत्र को आधार बनाकर नोटिस जारी किया है और बीजेपी ने पत्र में जो आरोप लगाए हैं वही आरोप प्रार्थी ने भी लगाए हैं और दोनों के आरोप सेम टू सेम है। इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी एक राजनीतिक दल से नियंत्रित हो रहा है और राजनीतिक उद्देश्य से जनहित याचिका दायर की गई है। वहीं माइनिंग लीज को लेकर सीएम ने अपने जवाब में कहा है कि रांची के अनगढ़ा में 88 डिसमिल जमीन की माइनिंग लीज 17 मई 2008 को 10 साल के लिए उन्हें मिली थी। साल 2018 में लीज नवीनीकरण के लिए उन्होंने आवेदन दिया था लेकिन आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद जिले के उपायुक्त ने साल 2021 में नए सिरे से माइनिंग लीज के लिए आवेदन आमंत्रित किया। इसके बाद उन्होंने आवेदन दिया। इसके बाद उन्हें माइनिंग लीज आवंटित की गई। इस दौरान उन्होंने नियमों के अनुसार प्रक्रिया पूरी की लेकिन 4 फरवरी 2022 तक उन्हें खनन करने का मंतव्य नहीं मिला था। इसके बाद उन्होंने बिना किसी तरह का खनन कार्य किए इस लीज को सरेंडर कर दिया। इस कारण याचिका दायर होने की तिथि तक उनके पास माइनिंग लीज नहीं थी। प्रार्थी ने अदालत के सामने तथ्यों को छिपाकर पेश किया है। ये तमाम बातें हेमंत सोरेन ने अपने जवाब में रखी हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि उन पर जो माइनिंग लीज लेने का आरोप लगा है वो तथ्यों से परे है और इस कारण विधानसभा से अयोग्य करार दिए जाने का कोई आधार नहीं बनता, इसलिए चुनाव आयोग का नोटिस और ये जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं मानी जा सकती। अब इस मामले की सुनवाई शुरू होगी तो जरूरत पड़ने पर वो इस पर कई कानूनी बिंदुओं को भी अदालत के सामने पेश करेंगे। उन्होंने कहा है अब इस पूरे मामले पे हेमंत सोरेन ने जो अपना पक्ष रखा है लेकिन इस मामले पे सुनवाई नहीं हो पाई है। हम आपको बता दें कि इस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई अब अगले हफ्ते होने के आसार हैं। ये मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए शुक्रवार को सूचीबद्ध था लेकिन अदालत के नहीं बैठने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई है। अब इस मामले की सुनवाई अगले सप्ते होने की संभावना है। उसके बाद पता चलेगा कि हाईकोर्ट के इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख सामने आता है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।